निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना भारतीय रेल की उत्पादन इकाई है जो 1981 में डीजल लोको की मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से स्थापित की गई थी। इसकी सफलता के बाद इसमें नया अध्याय जुड़ा तथा 1989 में यहां डीजल इंजनों का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया जिसमें उनकी क्षमता 2600 HP से बढ़ाकर 3100 HP कर दी जाती थी। 2017 में भारतीय रेल ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर जाने का निर्णय लिया। इसी दिशा में DMW ने नए आयाम खोले तथा यहां नए इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये लोको भारतीय रेल के अति आधुनिक इंजन है जो 3-phase तकनीक पर आधारित है और इनकी 6000 HP क्षमता है। जब यहाँ इंजनों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन के दौरान इंजनों को अपग्रेड करके इनकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही थी तो इसका नाम बदलकर डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स कर दिया गया। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के प्रयोग से इन इंजनों में ब्रेक लगाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे वापस ग्रिड में डाल दिया जाता है और इस ऊर्जा संरक्षण से इनकी बिजली की खपत और भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त DMW को पहली बार 135 टावर वैगनों DETC के निर्माण का कार्य भी दिया गया है और DMW द्वारा इसकी सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो गई है। इसका उपयोग ब्रेकडाउन साइटों के साथ साथ क्षतिग्रस्त OHE उपकरणों की बहाली के लिए भी किया जाता है। DETC में एक कक्ष और पर्यवेक्षकों और परिचारकों की सुविधा के लिए एक रसोई घर भी उपलब्ध है। इसमें एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तथा एक ऑब्जर्वेशन डोम की सुविधा भी दी गई है। इसमें ओवरहेड केबल्स के परीक्षण के लिए पेंटोग्राफ लगाया गया है। इसमें दुर्घटना स्थल पर कार्य करने के लिए उपकरण भी दिए रहते हैं। DMW ने इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के लिए व्हील सेट की आपूर्ति की शुरुआत करके अन्य इलेक्ट्रिक लोको शेडों को सहायता प्रदान करना आरंभ कर दिया है। इस शुरुआत के साथ DMW वर्ष 2018-19 से नई मोटर युक्त ट्रक असेंबली बोगी और 3-phase इलेक्ट्रिक रेल इंजनों और परंपरागत रेल इंजनों के लिए मोटर युक्त पहिया सेट के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा संरक्षण तथा वातावरण के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक DMW में 2.15 MW का रूफटॉप सोलर प्लांट भी लगाया गया है। इसकी मदद से लगभग 28 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है।